नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, या बोल सकते हैं शेषफल प्रमेय। इस टॉपिक के क्वेश्चन दोस्तों हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे वो HSSC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, या इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, रिमाइंडर आप सभी को पता होगा, या शेषफल जिसको हिंदी में कहते हैं, कि जब एक नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जब वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो, लास्ट में कोई नंबर आपका बच जाए, तो उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि हम 37 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 37 को किससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों? 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, तो आपका जो लास्ट में बचेगा वो क्या है? 2 है। यानी कि जब नंबर पूरा पूरा डिवाइड ना हो तब आपका रिमाइंडर बचता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है। दोस्तों मान लीजिए यहां पे 35 होता, तो 35 में से 35 माइनस करते क्या बच जाता? 0 बच जाता। आपको इस बात का सभी को पता है कि जो ये नंबर होता है इसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। दोस्तों तो आपके जो रिमाइंडर है वो दो तरह के होंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। हम दोनों तरह की बात यहां पे करेंगे। जहां पे जो हमें शूट करेगा उसी को ले लेंगे। अगर हमें पॉजिटिव शूट कर रहा है तो हम पॉजिटिव को ले लेंगे, अगर हमें नेगेटिव शूट कर रहा है तो हम नेगेटिव को ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे यहां पे आपका रिमाइंडर क्या बच रहा था? 2 बच रहा था। अब माइनस रिमाइंडर का मतलब क्या है? ये तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है दोस्तों, इसको आप पॉजिटिव रिमाइंडर बोल सकते हैं। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर होगा, देखिए 37 को आप 5 से डिवाइड कर रहे थे। 37 को किससे डिवाइड कर रहे थे? 5 से डिवाइड कर रहे थे। हमने कहां पे लेके गए थे? 5 7 जा 35 किया था, यानी कि इससे छोटे वाला नंबर लिया था। अगर हम इससे बड़ा नंबर ले लेते, यानी कि 7 की बजाय हम इसको 8 पे ले जाते, तो यहां पे कितना आ जाता? 40 आ जाता, और ये पता है आप सभी को क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो 37 में से 40 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा? -3 बचेगा दोस्तों, और ये भी आपका रिमाइंडर है, इसको आप बोल सकते हो नेगेटिव रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपके दो तरह के होंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा हमें यूज करना है। जो इजी होगा हम उसी को यूज करेंगे, जो इजी नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। मान लीजिए पॉजिटिव इजी है तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव इजी रह रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, लेकिन आंसर में आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ही देना है, आंसर में आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ही देना है। वो कैसे? जैसे देखिए यहां पे रिमाइंडर आपका क्या आया है? -3 आया है। क्या आया है? -3। तो ये आपका आंसर नहीं है। आपको क्या करना है? जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे, आप उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 में से अगर -3 कर देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। जैसे यहां पे रिमाइंडर 2 आया था। क्वेश्चंस में आप और अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया गया, मैं आपको बोलूं 357 प्लस 589 प्लस 353 प्लस 1759, और इसको डिवाइड करना है आपको 5 से। आपको यहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों एक मेथड तो ये है कि हम इन सभी नंबर को प्लस कर लें, इन सभी नंबर को प्लस कर लें, फिर 5 से डिवाइड करें और फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करें। अगर इन सभी नंबर्स को प्लस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करें, हर एक सिंगल सिंगल नंबर को 5 से डिवाइड कर लें, सिंगल सिंगल नंबर को 5 से डिवाइड कर लें और रिमाइंडर निकाल लें। क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, हमें सिर्फ शेषफल से मतलब है, बाकी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप सिंगल सिंगल नंबर को 5 से डिवाइड कर लीजिए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि 5 से डिवाइड करने के लिए, ये अपने अपने रूल होते हैं, 5 से डिवाइड करने के लिए आपको कंप्लीट नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती।
आप सिर्फ लास्ट डिजिट को डिवाइड कर लीजिए, वहीं से आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये 2 अगर पूरे नंबर को करेंगे तब भी 2 ही आएगा भाई। यहाँ पे देखिए 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। ध्यान रखिए हमेशा अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि 7 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा नंबर है। अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 को 5 से डिवाइड करो, ये तो ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो आपका रिमाइंडर यहां पे 2 ही आ जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं है। यानी कि अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर वही है जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि जैसे हम 2 को 5 से डिवाइड कर रहे थे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 है। 7 को 5 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे 5 × 5 बचेगा 2। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों तो आपका रिमाइंडर वही बच जाएगा। जैसे आप 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा, 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इनके बीच में प्लस का साइन है तो आप प्लस कर लीजिए, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस का साइन है तो आप प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 + 4 करेंगे 6, 6 + 3 करेंगे 9, 9 + 4 करेंगे 13, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लेकिन आप डिवाइड किस नंबर से कर रहे थे, 5 से कर रहे थे। कभी भी रिमाइंडर डिवाइड करने वाले नंबर से बड़ा नहीं आ सकता, हमेशा रिमाइंडर डिवाइड करने वाले नंबर से छोटा आता है, इस बात का आपको सभी को पता है। तो अब आप क्या करेंगे, 13 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10, बचेगा कितना, 3। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है, 3 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का क्वेश्चन है तो हमने प्लस कर लिया। अगर ये क्वेश्चन माइनस का होता तो हम क्या कर लेते, माइनस कर लेते। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी तरह के एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन होता 3 6 2 × 6 3 3 × 8 1 1 × 7 2 1 / 9, आपको यहां पे भी रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, यहां पे भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो एक बात सुनिए ध्यान से, देखिए अगर इस नंबर पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन है, हम नहीं कर सकते। यानी कि आपको इस नंबर में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल सिंगल नंबर को 9 से डिवाइड कर लीजिए और जो रिमाइंडर आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अगर हम 362 को 9 से डिवाइड करते हैं, 362 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 4 = 36, 900 जो आपका रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई। अगर हम 633 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां से आपका रिमाइंडर आएगा 3। अगर हम 811 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। अगर हम 721 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। आप सिंगल सिंगल नंबर को 9 से डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। ठीक है जी, तो आपके रिमाइंडर आ जाएंगे। अब आप क्या करें, इनका मल्टीप्लाई का साइन अगर बीच में है तो मल्टीप्लाई करें, अगर प्लस का साइन होता तो हम प्लस कर लेते। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लस किया था तो इसी तरह यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लीजिए 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 1, 6 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 6, तो आपका रिमाइंडर आ गया 6। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 जो है 9 से छोटा नंबर है। ठीक है, अगर ये 9 से बड़ा होता, 10 होता, 11 होता, 12 होता तो हम डिवाइड करते, तब तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 6 जो है आपका वो 9 से छोटा नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको टैकल करना है, यानी कि सिंगल सिंगल नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए। अगर बीच में प्लस का साइन है तो आप प्लस कर लें, अगर माइनस का साइन है तो आप माइनस। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं इस तरह के। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1352 × 7351 × 3524 × 6391 / 10, आपको यहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप सिंगल सिंगल डिजिट को डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। सिंगल सिंगल डिजिट को डिवाइड करेंगे, देखिए 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2।
इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी रिमाइंडर कैसे निकाल लिए, तो भाई किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होता है ना वही आपका रिमाइंडर है। यानी कि यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है तो आपका रिमाइंडर 2 है, लास्ट डिजिट 1 है तो रिमाइंडर 1 है, लास्ट डिजिट 4 है तो रिमाइंडर 4 है, और लास्ट डिजिट 1 है तो रिमाइंडर 1 है। यानी कि जो भी लास्ट डिजिट है वही रिमाइंडर है। अगर लास्ट डिजिट 0 होता तो आपका रिमाइंडर भी 0 होता। ठीक है दोस्तों, तो अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई 1 8, यानी कि 8 आ जाएगा। और आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 10 से, ये 10 से छोटा नंबर है तो ऑलरेडी आपका आंसर आ चुका है, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या है, 8 है। ये गलती मत कर देना कि 8 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, किसको 2 से डिवाइड करके बैठ जाओ कि 2 4 जाए 8 2 5 जाए 10, नहीं ये गलत है। आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं आप उसी नंबर से डिवाइड करें, क्योंकि अब तो ये 5 से डिवाइड होने लग गया। मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, अभी आप इन क्वेश्चन को देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने आपको बताया था ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये तो क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे हम कि नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करें। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 19 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाय 21, आपको यहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप सिंगल सिंगल नंबर को डिवाइड कर लेंगे, लेकिन अगर हम 19 को 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो 19 ही आएगा, क्योंकि 19 21 से छोटा नंबर है, यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा 19। बट 19 आएगा यहां से 20 आएगा, क्योंकि ये भी 21 से छोटा है। यहां से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 1 और यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 2। ध्यान से देखिए दोस्तों, 22 को 21 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, 23 को 21 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। बट यहां पे 19 और 20 बच गए, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम तो वही वेस्ट होगा। तो यहां पे आप नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप ये देखेंगे कि 19 जो है 21 से कितना कम है, 2 लेस है, तो ये रिमाइंडर आपका -2 बच जाएगा दोस्तों। इसे कहते हैं रिमाइंडर माइनस में लेना। माइनस में रिमाइंडर आप क्यों लेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए, और इसका कोई रीजन नहीं है। देखिए 20 21 से कितना लेस है, 1 लेस है, तो यहां पे आपका रिमाइंडर क्या जाएगा -1। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आप ऐसे यूज करेंगे कि प्लस माइनस में अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आ रहा है तो 19 को 20 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप रिमाइंडर को माइनस में ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कि वो डिवाइजर से कितना कम है। ठीक है देखिए भाई, तो -2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि यहां पे आ जाएगा 4, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 21 से, तो 4 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता कुछ ऐसा कि 119 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 118 मल्टीप्लाई 117 और आप डिवाइड कर रहे हैं 121 से, यहां पे आपसे पूछ लिया था कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये सारे नंबर जो है 121 से छोटे हैं, यानी कि कंडीशन में जाए, अगर बेसिक मेथड में जाए तो आपको इनका सभी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 121 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको रिमाइंडर का पता लगेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन को जस्ट 2 से 3 सेकंड में सॉल्व आउट कर लेंगे। नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट मतलब ये 21 से कितना लेस है, 2 लेस है, तो -2 रिमाइंडर आपका आएगा। ये 21 से कितना लेस है, 1 लेस है, -1 रिमाइंडर आएगा। ये 121 से कितना लेस है, 3 लेस है, तो -3 रिमाइंडर आएगा। ये 121 से कितना लेस है, 4 लेस है, तो -4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर प्लस का साइन होता तो आप प्लस कर देते, एक प्लस का क्वेश्चन भी करवा दूंगा इसे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस 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 माइनस, 4 बार माइनस की गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस की मल्टीप्लाई अगर इवन टाइम की जाती है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। प्लस करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 4 24, तो आपका आ जाएगा 24, और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 121 से, 121 से 24 छोटा नंबर है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है, 24 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इस तरह का। मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन दे दूं
27 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 73 डिवाइड बाय 15 आपको निकालना है यहां से रिमाइंडर क्या आएगा। जल्दी है देखिए दोस्तों, अगर मैं प्लस की बात करूं 27 को 15 से डिवाइड करूं तो प्लस में 12 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 12, जो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई करने में वो दिक्कत करेगा। अब एक बात हम देखें, अगर मैं 15 टू जा करूं तो 30 होता है, 15 टू जा कितना होता है 30, ये 30 से कितना लेस है 3 लेस है, तो यहां पे आपका रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा माइनस से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए 32 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। 48 को 15 से करेंगे 15 3 जा 45 बचेगा 3, प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखिए 15 को 75 15 5 जा होता है 75 और ये 75 से कितना लेस है 2 लेस है, तो यहां पे आ जाएगा का माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन है तो दो बार माइनस आया है तो ये तो प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, तो आपका आ जाएगा 36 और डिवाइड किससे कर रहे हैं आप 15 से कर रहे हैं। देखिए 36 जो है वो 15 से बड़ा नंबर है, तो आप यहां पे डिवाइड करेंगे 15 2 जा 30, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे स्टेप चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज ही आप आगे चलते हैं। अब मैं आपको डिवाइड वाला रूल समझा रहा हूं, जब आप अगर आप पहले डिवाइड कर लेते हैं तो आगे उसको कैसे सोल्व आउट करना है। देखिए ध्यान से, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 27 को डिवाइड करना है 15 से, 27 को किससे डिवाइड करना है 15 से, इसको ऐसे लिख लेते हैं 27 बाय 15। अगर मैं 27 को 15 से डिवाइड करूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, 15 1 15 बचेगा कितना 12 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर आपका यहां पे क्या है 12 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से। अगर मैं इनको 3 से डिवाइड कर लेता, 3 से डिवाइड कर लेता, देखो ये क्या आता 9, ये क्या जाता 5, 3 को डिवाइड कर लेता तो क्या जाता 9 बाय 5 आ जाता। यहां पे 9 को 5 से डिवाइड कर लेते तो रिमाइंडर कितना आ जाता आपका 4 आ जाता, रिमाइंडर कितना आ जाता 4। लेकिन हमने यहां पे 3 से पहले डिवाइड किया था तो इसलिए आप लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, यानी कि जो एक्चुअल रिमाइंडर है आपका वो क्या आएगा 12 आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने पहले नंबर को डिवाइड कर लिया है और फिर रिमाइंडर निकाला है तो आप रिमाइंडर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से पहले आपने डिवाइड किया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम 27 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 9 बाय 5 और 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा, लेकिन 4 तो करेक्ट आंसर नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम करेंगे कि 3 से हमने डिवाइड किया था तो लास्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 121 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 3572 मल्टीप्लाई 14371 और डिवाइड कर दिया जाए 65 से, आपको बताना हो कि यहां पे रिमाइंडर क्या आए। ठीक है दोस्तों, अगर हम 65 की बात करें तो 65 का टेबल काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 65 का टेबल काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो यहां पे आप डिवाइड मेथड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, डिवाइड मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे, 65 है, देखिए 65 किससे डिवाइड होता है 13 से डिवाइड होता है, अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 5, इसको 13 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 2। देखिए मैंने डिवाइड किससे किया है 13 से डिवाइड किया है, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि लास्ट में हमें रिमाइंडर को 13 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। तो आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे 5 होगा, 5 से डिवाइड करना इजी हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड कर लीजिए वही आपका रिमाइंडर है। देखिए लास्ट में क्या है 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आएगा। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 ही आएगा, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 ही आएगा, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से रिमाइंडर कितना आया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो रिमाइंडर कितना आया 4 आया।
कितना आया 4, लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर 4 नहीं है, आपने पहले 13 से डिवाइड किया था, तो इसलिए आप इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 52। ये आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता 3572 मल्टीप्लाई 1368 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 3952 डिवाइड बाय होता 125, आपको बताना होता यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर 125 से डिवाइड करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप क्या कर लेंगे, आप इसको नीचे वाला जो डिवाइडर है आपका इसको छोटे फॉर्म में ले जाओ। देखिए अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। बट हमने 25 से डिवाइड किया, ये ध्यान रखें कि 25 से डिवाइड किया हमने, लास्ट में 25 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। करिए 5 से डिवाइड करिए, यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा 2, यहां 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2। तो आपके रिमाइंडर है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और साथ में हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 25 से भी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2, 3, 3 जा 9, 9, 4 जा 36, और 36 का मल्टीप्लाई आपको लास्ट में किससे करना है, 25 से करना है। 36 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 25 से। तो यहाँ पे 36 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 900। क्या जाएगा 900। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला था, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड किससे कर रहे थे, 125 से, एक्चुअल में आप 125 से डिवाइड कर रहे थे, और रिमाइंडर कभी भी डिवाइड करने वाले नंबर से बड़ा नहीं आ सकता। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 900 को 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 900 को 125 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तो 125 से 900 को डिवाइड करेंगे तो 7 पे चला जाएगा ये, 875, और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है एक्चुअल में वो कितना बचेगा दोस्तों, 25 बचेगा, आपका जो आंसर है वो 25 है, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका बेसिक था, अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाए, 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial plus up to 222 factorial, आपको डिवाइड करना है ये 12 से, आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाए, बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखिए आज ही मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है मैंने कल आपको बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, 1 factorial आपका 1 होता है, 2 factorial की अगर हम बात करें तो 2 multiply 1 2 होता है, 3 factorial की हम बात करें तो 3 multiply 2 multiply 1 6 होता है, 4 factorial की अगर हम बात करें तो 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 यानी कि 24 होता है। यानी कि जितना भी फैक्टोरियल हमें निकालना है हम उससे मल्टीप्लाई शुरू करके 1 तक जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक बात सुनिए ध्यान से, देखिए प्लस की सीरीज आपकी है, क्या है, प्लस की सीरीज है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 factorial को 1 लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया 2 factorial क्या होता है, 2 होता है, 3 factorial क्या होता है, 6 होता है, 4 factorial क्या होता है, 24, 5 factorial क्या होता है, 120, इसी तरह चलते जाएंगे और 222 फैक्टोरियल तक चले जाएंगे, और डिवाइड किससे करना है, 12 से करना है। देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला था, सिंगल सिंगल नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। अब एक बात पे फोकस करो कि 24 12 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, बोलो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। इसी तरह 12 से 120 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, इसी तरह आगे जितने भी नंबर हैं उन सभी में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उन सभी में आपके 12 का मल्टीपल है, उन सभी में आपके क्या है, 12 का मल्टीपल है दोस्तों। तो अब बात सिर्फ बचती है इन पहले वाले 3 नंबर की, 1 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा,
सिक्स को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे सिक्स आएगा, आगे सभी जीरो है ये प्लस में है तो सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन, तो नाइन को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो नाइन ही होगा। ये आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो पावर में होते हैं, ठीक है, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूं। अभी तक हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे जो प्लस में थे और मल्टीप्लाई में थे, अब हम क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन किसमें होते हैं, पावर्स में होते हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइव का पावर आपको दे दिया गया फाइव और आपको डिवाइड करना है फोर से और आपको निकालना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन हमने किया है। अब मुझे जरा बताइए फाइव के पावर फाइव का मतलब क्या होगा, कि आपको फाइव ऐसे लिखना पड़ेगा फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव और डिवाइड किससे करना है, फोर से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था कि आप सिंगल सिंगल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप फाइव को फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा वन, फिर फाइव को फोर से करेंगे वन तो यहां पे भी वन, यहां पे भी वन और यहां पे भी वन। अब वन का मल्टीप्लाई जितने मर्जी बार कर लो आपका रिमाइंडर क्या रहने वाला है, वन ही तो रहने वाला है, यही आपका आंसर है। तो पावर वाले क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके क्वेश्चन करते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अब ध्यान से फोकस आपको करना है, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, आपको सिर्फ फोकस करना है कि उसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए मान लो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 21 का पावर 121 डिवाइड बाय 20, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब पावर को एक बार भूल जाएं, अब मुझे बताएं कि 21 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। और 1 का जितना मर्जी पावर कर लो, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था बकायदा, 1 का जितना मर्जी पावर कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 21 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर रहेगा 1, और 1 का पावर क्या है 121, और आप डिवाइड किससे कर रहे हैं 20 से, 1 का पावर जितना मर्जी कर ले 1 ही रहेगा, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बोलूं कि 53 का पावर 160 डिवाइड बाय 52, बताइए 53 को 52 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1, 1 का पावर 160 और डिवाइड किससे कर रहे हैं 52 से, तो रिमाइंडर 1 है, 1 का कितना भी पावर कर लो रिमाइंडर आपका क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से फोकस करना। मान लो मैं आपको बोल दूं कि 63 का पावर 160 डिवाइड बाय 64, आपको यहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, 63 को 64 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर एक नजरिए से देखें कि 64 को 63 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 63 ही बजेगा। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें, नेगेटिव वाले नजरिए से, ये 64 से कितना लेस है, 1 लेस है, यानी कि आपका रिमाइंडर यहां से क्या बच जाएगा -1, और -1 का पावर 160 डिवाइड किससे कर रहे हैं 64 से। -1 का पावर अगर इवन नंबर करेंगे, अगर माइनस का पावर इवन नंबर करते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है दोस्तों, अगर माइनस का पावर इवन नंबर करते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका +1 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। देखिए मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि 75 को डिवाइड करें 76 से और पावर है आपका 123, ध्यान से देखना भाई। अब 75 को 76 से डिवाइड करेंगे तो आप बोल सकते हो रिमाइंडर क्या आएगा -1, और -1 का पावर क्या है 123, -1 का पावर क्या है 123। अब -1 का पावर ओड नंबर करेंगे तो वो माइनस में ही रहेगा, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा -1 आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि माइनस में आपको रिमाइंडर नहीं लेना है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, लेकिन आपको माइनस में रिमाइंडर नहीं लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि नीचे वाला जो नंबर है 76 आप उसमें इसको ऐड कर दीजिए, मतलब 76 -1 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह के और क्वेश्चन करते हैं एक दो, ऐसे पावर लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि वहां पे गैप 1 का रहे, गैप किसका रहे 1 का। जैसे मैं आपको बोल दूं
कि 53 का पावर 153 डिवाइड बाय 13। अब फोकस करिए, 53 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 फोर जा 52, 13 फोर जा 52, रिमाइंडर कितना 1, तो 1 का कोई भी पावर आप कर लें, 1 का कोई भी पावर आप कर ले तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं 64 बाय 13 और 64 का पावर 164 है, 164 का पावर 164 डिवाइड बाय 13 है, आपको पता है अगर 13 से डिवाइड करें 13 फाइव जा 65 होता है, 13 फाइव जा कितना होता है 65, और ये 65 से कितना लेस है 1 लेस है, यानी आपका जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा -1 रहेगा, और -1 का पावर क्या होगा 164, और माइनस नंबर की पावर जब इवन करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट होता हो जाता है, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए मैं आपको बोल देता 99 का पावर 199 डिवाइड बाय 25, आपको यहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब बताइए 25 फोर जा क्या होता है 100, ये 100 से कितना लेस है 1 लेस है, कितना लेस है 1, यानी कि -1 आपका रहेगा, और -1 की पावर करेंगे 199। अब देखिए जो आपकी पावर है वो ओड है, -1 की पावर अगर ओड करेंगे तो वो -1 ही रहेगा, यानी कि आपका यहां पे रिमाइंडर रहेगा -1, और मैंने आपको बताया था कि माइनस में आपका आंसर नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे नीचे वाले नंबर में इसको ऐड कर लेंगे। अब -1 को 25 में ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना बन के आएगा 24, यानी कि यहां पे जो रिमाइंडर रहेगा वो 24 रहेगा दोस्तों, ठीक है। आजिए आगे चलते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोल दूं 63 का पावर 163 प्लस 5 डिवाइड बाय 30, एक मिनट भाई, 32 मान लो क्वेश्चन लिया हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए 63 का पावर है 163 प्लस में है 5 और डिवाइड किससे कर रहे हैं 32 से, यहां पे भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बोला था ये दो नंबर है अलग अलग, 63 अलग है 5 अलग है, दो नंबर है, दोनों नंबरों के बीच में प्लस है, हम सिंगल सिंगल नंबर को डिवाइड करेंगे दोस्तों, सिंगल सिंगल नंबर को डिवाइड करेंगे। बताओ मुझे 32 को 63 डिवाइड करेंगे, 32 टू जा कितना होता है 64, कितना होता है 64, ये 64 से कितना लेस है, फोकस करें यहां पे, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, ये 64 से कितना लेस है 1 लेस है, तो -1, और -1 का पावर क्या है 163, एक तो ये आपका निकलेगा, और 5 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही तो आएगा, अरे 5 को 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 5 को 32 से डिवाइड करें रिमाइंडर 5, अब -1 का पावर ओड करेंगे तो -1 ही आएगा, और प्लस में क्या है 5, माइनस का 1 प्लस का 5, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं आपको बोल देता कि 74 का पावर 174 प्लस 10 डिवाइड बाय 15 फाइंड रिमाइंडर, ये क्वेश्चन होता आपका, तो ये दो नंबर है अलग अलग, अब फोकस करिए 74 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 फाइव जा होता है 75, 15 फाइव जा क्या होता है 75 होता है, ये 75 से कितना लेस है 1 लेस है, यानी कि रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो आपका बचेगा -1, और -1 का पावर 174 है, ठीक है। 10 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 10 ही रहेगा, क्योंकि 10 15 से छोटा नंबर है, देखिए -1 का पावर 174 करेंगे तो +1 चला जाएगा, प्लस में करेंगे 10, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं इस तरह के, ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं 96 का पावर 196 प्लस 25 डिवाइड बाय 19, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। देखिए आप 96 को 19 से डिवाइड करेंगे, 19 फाइव जा बोलो 19 फाइव जा 95 चला जाएगा 1 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर की हम बात करें तो रिमाइंडर आपका होगा 1 का पावर कितना 196 प्लस में। अब बताओ 25 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा रिमाइंडर, 1 का पावर कुछ भी कर ले तो 1 ही रहेगा 1 प्लस 6, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 7, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर 7 होगा, रिमाइंडर 7 आएगा,
ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं, मान लो आपको बोल दूं कि 81 का पावर 81 प्लस में 75 डिवाइड बाय 20 फाइंड रिमाइंडर, तो आप क्या करेंगे, 81 को 20 से डिवाइड करेंगे, 24 जा 80 बचेगा 1, 1 का पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। 75 को 20 से डिवाइड करेंगे, 23 जा 60 बचेगा 15 प्लस का 15, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए आपको मैं बोल दूं 62 का पावर 162 प्लस 45 डिवाइड बाय 21, ठीक है ये क्वेश्चन है मान लो आपका, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 21 से 62 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए 21 थ्री जा होता है 63, 21 थ्री जा कितना होता है 63, बट ये क्या है 62, कितना लेस है, 1 लेस है, तो आप क्या बोलोगे -1, और -1 का पावर 162 प्लस में क्या है 21 टू जा होता है 42 बचेगा कितना 3। अब -1 का पावर करेंगे इवन तो +1 हो जाएगा, और +1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, ये हर एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि आपका गैप जो है वो 1 रहे, गैप क्या रहे 1। ठीक है दोस्तों, कि हम नीचे वाले नंबर से जब डिवाइड करें तो आपका गैप 1 बन जाए, जैसे यहां पे 1 का गैप था 24 जा 80, 1 का गैप था 81 है। तो कई बार क्या होता है पावर वाले क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिनमें गैप 1 नहीं बन पाता, मैं एक दो एग्जांपल करवा रहा हूं, देखिए देखिए मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2 का पावर 300 डिवाइड बाय 7, आपको यहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 का पावर 300 है डिवाइड बाय 7 है, अगर हम देखें 2 और 7 में गैप कितने का है, 5 का है, गैप कितना है 5 का, हमें क्या बोला कि गैप क्या चाहिए 1 चाहिए, चाहे वो प्लस में 1 हो चाहे वो माइनस में 1 हो, यानी कि यहां पे नंबर या तो 7 के टेबल से 1 ज्यादा हो या 7 के टेबल से 1 कम हो। अब मुझे बताइए जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 का पावर 1 क्या होता है, बोलेंगे 2, 2 का पावर 3 क्या होता है, सॉरी 2 का पावर 2 क्या होता है 4, अब देखिए 4 का और 7 का गैप कितना है 3 का, 2 का पावर 3 क्या होता है 8, देखिए 2 का पावर 3 होता है 8, 8 और 7 में गैप कितना है 1 है, बन की बात, तो 8 ले आओ, 8 कैसे बनेगा, इसको आप लिखेंगे 2 का पावर 3, और अगर 3 हमने यहां से लिया है 300 में से 3 लेंगे तो ब्रैकेट में ऊपर क्या बच जाएगा 100 बच जाएगा, यानी कि 300 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और डिवाइड में क्या है 7। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 क्या होता है 8, 8 का पावर 100 डिवाइड बाय 7, यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 का कोई भी पावर कर लो आपका रिमाइंडर जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बात कहूं कि 5 का पावर जो है वो है 50 डिवाइड बाय 13, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जरा मुझे बताइए 5 में और 13 में कितना गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, 8 का गैप है, हमें गैप कितना चाहिए 1 का चाहिए। अब मुझे बताओ अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं 25 होता है, बोलिए 5 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 25, और 13 के टेबल में देखिए 13 टू जा 26, 26 का 25 का गैप कितना है 1 का गैप है, हमें 1 का गैप चाहिए चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, मतलब अब यहां पे हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर और उसका पावर 25, क्योंकि 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा, डिवाइड में क्या है 13, इसको आगे लिख लीजिए 5 का पावर क्या होगा 25 और 25 का पावर 25, डिवाइड क्या है 13 है। अभी मैंने आपको बताया कि 13 टू जा 26 होता है, 13 टू जा 26 होता है, ये 26 से कितना लेस है, 26 से कितना लेस है 1 लेस है, 1 लेस है तो भाई क्या करेंगे -1 करेंगे, और -1 का 25 पावर करेंगे तो आपका -1 ही आ जाएगा, अगर -1 का पावर 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और माइनस में कभी आंसर नहीं देते तो 13 में -1 ऐड कर दीजिए 13 -1, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस तरह का, मान लीजिए मैं आपको बोल दूं 3 का पावर 45 डिवाइड बाय 16, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना। देखिए अगर मैं बात करूं 3 का पावर 1 तो 3 होगा, 3 का पावर 2 9 होगा,
3 का पावर 3 27 होगा। अब देखिए 16 की टेबल के कोई सा भी नजदीक है इनमें से, कोई सा भी नजदीक नहीं है, इसको पावर 44 कर लेते हैं। ठीक है, एक बार 44 कर लेते हैं, 45 वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 3 का पावर 3 27, अगर मैं 3 का पावर 4 करता हूं तो क्या होता है, 81 होता है। क्या होता है, 81। अब देखिए 16 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 80, बचेगा 1, यानी कि हमें 1 का गैप चाहिए था, तो 3 की पावर 4 ले आए। तो इसको आप क्या लिख ले, 3 की पावर 4 और कंप्लीट का पावर 11 डिवाइड बाय 16, क्योंकि 4 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो देखिए 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 81, 81 का पावर 11 डिवाइड बाय 16, 16 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 80, बचेगा 1, और 1 का कोई भी पावर कर लो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट के बाद मैं आपके कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको अपने आप टैकल करने हैं, अगर आपसे नहीं होगा तो इसका पार्ट टू, ठीक है, इसका पार्ट टू हम जल्दी ही लेके आ रहे हैं, तो पार्ट टू में आपको पता लग जाएगा कि इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन क्या है, और इसके जो और भी टाइप बचे हैं वो हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनको आप नोट कर लेना आराम से, ये नोट हो गया दोस्तों, इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपको अपने आप करके देखने। देखिए दोस्तों, ये 9 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे आराम से नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये 9 क्वेश्चन है, ये आपको खुद से टैकल करके देखने हैं, ये सभी टाइप में आपको करवा चुका हूं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले इनके सोल्यूशन करवाऊंगा, फिर जो अदर टाइप बचते हैं उनको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय। इनको नोट कर लीजिए आराम से, छोड़ देता हूं मैं।